Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 के C.11 वर्जन का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। सो गाइस, ये अपडेट में ना आप लोगों को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलता है, करेंगे इसका फुल रिव्यू। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि जिन Realme C3 डिवाइस के यूजर्स को Realme UI 2.0 के C.11 वर्जन का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, तो फाइनली उन्हें अपडेट कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आप भी हैं Realme C3 डिवाइस के यूजर्स तो आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 के C.11 वर्जन का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। सो गाइस, इस अपडेट में ना आप लोगों को क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने के लिए मिला है, ये तो खैर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि ये अपडेट में आप लोगों को कितना फाइल साइज देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, यहाँ पे ना आप फाइल साइज सुन के ही एक्सपेक्ट कर लेंगे कि आप लोग को यार चेंज लॉग कितना देखने के लिए मिला होगा। सो गाइस, फाइल साइज आप लोग को यहाँ पे 316 MB का देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, आप लोग को एक नॉर्मल सा फाइल साइज देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, आप इसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग को क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिला होगा। अगर बात करें कि इस अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिला है, तो गाइस सबसे पहला चेंजेस आप लोगों को ना सिक्योरिटी में देखने के लिए मिल जाता है, वो है इंटीग्रेट्स द अप्रैल एंड मई 2022 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैचेस। इट मींस यार इंटीग्रेट कर दिया गया है यहाँ पे 2 महीने के सिक्योरिटी पैच को। ये काफी अच्छी बात है कि आप लोग को C.11 वर्जन के साथ में ना आप लोग को यार जो सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है वो 2 महीना का देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ही आप अपने Realme C3 डिवाइस को Realme UI 2.0 के C.11 वर्जन के साथ में अपडेट करेंगे तो आपके डिवाइस का जो सिक्योरिटी पैच होगा ना वो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच में रन करेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट चेंजेस के बारे में तो वो गाइस आप लोगों को सिस्टम में देखने के लिए मिल जाता है, वो है इंप्रूव्ड सिस्टम परफॉर्मेंस इन सम सिनेरियोस। कुछ सिनेरियोस में इंप्रूव्ड कर दिया गया है सिस्टम परफॉर्मेंस को। उसके बाद गाइस नेक्स्ट चेंजेस सिस्टम में ही देखने के लिए मिलता है, वो है फिक्सेस एन इशू वेयर एन एंड्रॉइड आइकन माइट अपीयर ऑन द होम स्क्रीन आफ्टर यू ऑन ऐप फ्रॉम गूगल प्ले। सो गाइस, यहां पे ना आपके जो डिवाइस में कुछ बग एंड इशू था उन्हें भी यहां पे फिक्स कर दिया गया। ये जो कुछ बग था उन्हें यहां पे फिक्स कर दिया गया है। तो गाइस, यही कुछ चेंजेस है जो कि आप लोग के Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 के C.11 वर्जन के साथ में आप लोग को देखने के लिए मिला है, जैसा कि गाइस आप इस समय स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सो गाइस, अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि जिन Realme C3 डिवाइस के यूजर्स को C.11 वर्जन का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है तो फाइनली उन्हें कब तक देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, आप लोगों को मालूम होगा कि अपडेट जो देखने के लिए मिलता है ना वो कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है, एंड अपडेट उसमें से भी अप्रोक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है। सो गाइस, इसी वजह से आप अलर्ट रह के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट को चेक करते हैं ना, एंड कुछ यूजर्स होंगे जिनको ये अपडेट देखने के लिए मिला होगा एंड वो अपने डिवाइस को अपडेट नहीं किए होंगे क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये अपडेट में कुछ बग एंड इशू देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोगों को बता दें, ये अपडेट में आप लोग को कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिला है। अगर आपको अपडेट देखने के लिए मिला हुआ है अभी भी तो आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि यार ये अपडेट में अपडेट करने के बाद आपके डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो और भी बेटर होने वाला है। सो गाइस, जिन यूजर्स को अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है वो अप्रॉक्स 1 वीक का वेट कर ले, 1 वीक के अंदर अंदर सभी यूजर्स को ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। एंड थोड़ा सा अलर्ट रह के यार आप सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट को चेक करते हैं ना। वैसे गाइस, आप अलर्ट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, फिलहाल में अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।